राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे वहां के डॉक्टरों के खिलाफ कथित दमनकारी नीति के विरोध में हमीरपुर अस्पताल में भी चिकित्सकों ने काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध प्रकट किया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि 27 राज्यों के चिकित्सक आज काले बिल्ले लगाकर विरोध जता रहे हैं और राजस्थान सरकार के खिलाफ अपना गुबार निकाल रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे वहां के डॉक्टरों के खिलाफ कथित दमनकारी नीतियों के विरोध में हमीरपुर अस्पताल में भी चिकित्सकों ने काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के खिलाफ दमनकारी नीति को कतई सहन नहीं किया जाएगा और आगामी दिनों में भी इसका विरोध जताया जाएगा। बिल्ले लगाए गए हैं, उसका मकसद है राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर एसोसिएशन का समर्थन करना। पूरे भारतवर्ष में सारे भारतवर्ष के डॉक्टरों ने जो है ये काले बिल्ले लगा के अपनी जो एक सपोर्ट है वो राजस्थान डॉक्टर्स के प्रति दिखाई है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने जो दमनकारी रवैया राजस्थान डॉक्टर्स के खिलाफ चला रखा है उसके हम पूर्ण रूप से खिलाफ हैं और अपने राजस्थान डॉक्टर भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 27 स्टेट एसोसिएशन के जो डॉक्टर हैं वो काले बिल्ले लगा के काम कर रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि सरकार की जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की, ना कि धनाधन जो है मेडिकल कॉलेज खोलने से। हम इसके बिल्कुल विरोध नहीं है कि मेडिकल कॉलेज ना खोले जाए, मेडिकल कॉलेज खोले जाए, लेकिन एटलीस्ट जो हमारे जो मेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उन पे जो डॉक्टरों की जो संख्या है वो पूर्ण होनी चाहिए ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी और लंबी लंबी कतारों में ना खड़ा होना पड़े। तो हमारा यही सरकार से विनम्र निवेदन रहता है कि हम पहले अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मजबूत करें और मेडिकल कॉलेज तो सरकार जहाँ चाहे खोले, लेकिन उसके लिए पहले डॉक्टर्स होना बहुत ही आवश्यक है।